हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो मैं हूँ अभी न्यूयॉर्क स्टेट में एंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या कैसे आप यूएसए में आके, अगर मान लो आप पढ़ाई के लिए आए हो, मास्टर्स करने आए हो, तो F1 वीज़ा में आए हो, तो आप कैसे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो और यूएसए में पढ़ाई के लिए आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो मैं सारी चीज़ आपको डिटेल्स में बताऊंगी, कैसे आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिलता है कैंपस में और कितने टाइम के लिए आप जॉब कर सकते हैं, कितने पैसा मिलता है, ये सारे चीज़ मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं सारे कुछ आपको बताती हूँ। तो पहले तो जो होता है, अगर मान लो आप F1 स्टूडेंट हो तो आप बाहर कहीं जॉब नहीं कर सकते हो, तो आपको ऑन कैंपस ही जॉब करना पड़ता है। तो ऑन कैंपस जब में जैसे एक आपको होता है डिपार्टमेंट के अंदर जब मिलता है और कैंपस के अंदर, तो जो कैंपस के अंदर जब मिलता है वो होता है आपका जैसे कॉफ़ी शॉप में, फिर जिम वगैरह में, लाइब्रेरी में और बुक स्टोर में, तो ये सारे जगह में आपको ऑन कैंपस जब मिल सकता है। एंड ये ऑन कैंपस जब आप कैसे अप्लाई करें, तो ऑन कैंपस जॉब के लिए क्या होता है, एक्चुअली ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो कुछ यूनिवर्सिटी में आपको, जैसे आप यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए ऑन कैंपस जॉब, तो आपको मिल जाएगा क्या क्या ऑन कैंपस जॉब है, उनके सारे डिटेल्स। और कुछ यूनिवर्सिटी में मान लो अगर आपको नहीं मिला वेबसाइट में, तो आप इन पर्सन हो वहाँ पर कॉलेज में, तो आप जाके पूछ सकते हो कि आपके पास कुछ वैकेंसी है, मैं करना चाहती हूँ, तो ऐसे करके आप वहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो। एंड इसके लिए आप ऑन कैंपस जॉब के लिए आपको 20 आवर्स आप वीकली कर सकते हो एंड आपको $10 to $15 के बीच में कुछ एक पैसा दिया जाता है। तो ये हो गया आपका ऑन कैंपस जॉब। एंड अभी मैं बताती हूँ जैसे आपका डिपार्टमेंटल जॉब, तो डिपार्टमेंटल जॉब जैसे TA होता है, टीचिंग असिस्टेंटशिप एंड रिसर्च असिस्टेंटशिप, तो TA RA के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो TA के लिए कैसे होता है, ये भी डिपेंड करता है आपका डिपार्टमेंट के ऊपर और यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो मैं बता रही हूँ जैसे यहाँ पे जो होता है वो होता है TA के लिए आपका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, मान लो आपको TA करना है, तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंट में बात करना पड़ता है जो प्रोग्राम एडवाइज़र वगैरह है उनके साथ। वहाँ पे वो लोग एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं, फिर वहाँ से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एंड शॉर्ट लिस्ट से आपको फिर वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू में जो क्वालिफाई होते हैं उनको ही TA मिलता है। एंड और एक बात बता देती हूँ, TA और RA ज़्यादातर PhD स्टूडेंट को पहले मिलता है, फिर MS वालों को मिलता है, ये प्रायोरिटी बेस्ड है, तो ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा है क्या नहीं। और RA कैसे मिलता है, RA के लिए जो होता है वो होता है आपको प्रोफेसर के साथ बात करना पड़ेगा, अगर आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है तो आप ऐसे प्रोफेसर ढूंढो, फिर प्रोफेसर को आपको ईमेल करना पड़ेगा, तो ऐसे आपको RA मिलेगा। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्या TA and RA अगर आप मतलब करोगे तो उसके लिए आपको ट्यूशन OVN मिल जाता है, तो उसके लिए आपको ट्यूशन फी पे नहीं करना पड़ता है, प्लस आपको पर वीक के हिसाब से आपको पैसा भी मिलता है। तो इसमें भी आप 20 आवर्स कम कर सकते हो वीकली, तो ये आप ध्यान रखना आपको। तो ऐसे आपका प्रायोरिटी कौन सा है, ऐसे करके आप जॉब ढूंढो। एंड मैं रिकमेंड करूंगी अगर आप TA और RA ढूंढोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अगर आपको इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ जानना है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ऐसे कुछ स्टूडेंट रिलेटेड और US रिलेटेड आपको जानना है तो मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियो दिया हुआ है, तो ये आप जाके चेक कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।